अपने गए रसोई में आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोला कबाब। गोला कबाब के लिए ये मटन का कीमा लिया है मैंने 1/2 kg, दाल 50 ग्राम, चने की दाल 50 ग्राम। दाल इसलिए कर ले रहा है कि बिखरने ना पाए गोला कबाब, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। यह अदरक 1 इंच, बड़ी इलायची 1 पीस, छोटी इलायची 4 पीस, लाल मिर्च पाउडर। परवेज भैया के यहाँ से जो नाई भी ले लेना स्वाद अनुसार। पेस्ट 1 चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 1/2 प्याज जिसको बारीक काट लिया है, किशमिश 10 दाना। अब मैंने कुकर में चढ़ा दिया है और इसको लिड लगा रही हूँ। 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। गोला कबाब का कीमा और दाल उबल चुका है, अब इसको मिक्सी के जार में पीस लूँगी और इसको बारीक कर लूँगी। गोला कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसको मिक्सी में खूब बारीक पीस लिया है। उसके लिए सैलेड काट लिया है, इसमें हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, धनिया पत्ती 1 मुट्ठी इसको भी बारीक काट लिया। इसके बाइंडिंग के लिए 2 अंडा लिया है, इसकी जर्दी नहीं लेना है, सफ़ेदी लूँगी। 20 किशमिश और थोड़ा सा गोल्डन फ्राई किया हुआ प्याज, घी में इसको फ्राई किया है। गोला कबाब के लिए सैलेड बना लेती हूँ। 1 नींबू का रस, 1 नींबू का रस। तो ये देखिए इसके अंडे की जर्दी इसमें डाल रही हूँ ताकि गोला कबाब बिखरने न पाए। देखिए अंडे की सफ़ेदी को इसमें मिक्स कर रही हूँ, सफ़ेदी से बाइंडिंग अच्छी होगी। सैलेड और इसको इसमें भर रही हूँ। इसी तरह से सारे को भर दूंगी। देखिए सारा गोला मैंने तैयार कर लिया है, अब इसको फ्राई करूंगी। इसमें डाल दिया है, फ्राई चला दिया है, तेल डाल दिया है, तेल पक जाने पे गोला को फ्राई करूंगी। चुका है, अब ये देखिए अंडे की सफ़ेदी में इसको लपेट के डाल रहे हैं। इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। देखिए इसी तरह से पलट पलट के इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए मेरा गोला कबाब बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ। इसी तरह से सारे को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारा गोला कबाब मेरा तैयार हो चुका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।